गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं एडवेंचर सीट। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, आज हम लोग जाने वाले हैं बौखली। कल 25 दिसंबर था, इसलिए रात तक बहुत पार्टी चला। कल रात को ही मैं धीतिवान के घर आ गया था, 2 बज गया पार्टी खत्म होते होते। तो अभी बज रहा है सुबह का 6, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो हम लोग फटाफट रेडी होकर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं रोड पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत लेट हूँ आज, अभी हो रहा है 7:30। तो कल रात को मैं धीतिवान के घर में ही रुक गया था ताकि हम लोग सो में जल्दी निकल पाए। लेकिन कल 25 दिसंबर था, इसलिए पार्टी चल रहा था। हम लोग का पार्टी ख़त्म होते होते रात का 2 बज गया और इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए सुबह में। हम लोग अभी हाईवे भी पकड़ नहीं पाए। हाईवे यहाँ से कम 4 किलोमीटर अभी भी है, तो थोड़ा राइट कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग फाइनली NH6 में आ गए हैं। अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं आउट ऑफ स्टेट्स, तो हावड़ा इधर पड़ेगा, आप लोगों को इधर से ही आना है और यही रोड ज्वाइन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मैं थोड़ा लेट हूँ इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भगाना है। कल रात को ही मैंने पेट्रोल भरा के रखा था, इसीलिए अभी पेट्रोल भराने का कोई बात है नहीं। हम लोगों का पहला हॉल्ट रहेगा डायमंड हार्बर, वहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे फिर वहाँ से निकलेंगे। अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये पोइलन का पेट्रोल पंप है, ये 2400 घंटा खुला रहता है। आप लोग किसी भी टाइम आके यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अभी 7:48 हो गया है, आप लोग सोच ही सकते होंगे हम लोग कितना लेट हैं। और इधर सूरज भी पूरा सर पे चढ़ गया है। आप लोग देख सकते हैं ये डबल वे रोड है और मुझे यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर बाइक चलाना पड़ेगा। और ये जो हाईवे है, इस हाईवे का नाम NH6 है। अभी भी कुछ कुछ फॉग है, पूरा फॉग हटा नहीं है, आप देख रहे होंगे। और कलकत्ता से बौखली 112 किलोमीटर, मैं इससे भी पहले गया था, बौखली 112 किलोमीटर के आसपास होता है। कलकत्ता में जितना भी राइडर रहते होंगे और उनका राइड स्टार्ट करते होंगे, तो उन लोगों के लिए घर से नज़दीक मेरे हिसाब से पहला बीच, सी बीच अगर कोई है तो वो बौखली होगा। NH 117 बौखली भी इधर ही है, गंगा सागर भी। तो हम लोग अभी NH 117 में है और इस जगह का नाम है आमतला। यहाँ से अभी भी बौखली 100 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे बहुत जाम होता है, बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, लेकिन आज उतना नहीं है क्योंकि कल शायद छुट्टी था, आज शनिवार है, बहुत जन का छुट्टी रहता है। सामने वाला जो मोड़ है, उस मोड़ का नाम है सिराकोल। और यहाँ से 2 रास्ता डिवाइड होता है, एक राइट जाता है डायमंड हावड़ा होके बौखली और एक लेफ्ट से जाता है उस्ती होके बौखली। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग उस्ती होके जाएंगे तो उस रोड पे आप अच्छा खाने का जगह, तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा आप लोग राइट वाला ही रास्ता पकड़िए, डायमंड हावड़ा होके जाइए। वहाँ पर आपको पेट्रोल पम्प भी मिलेगा, खाने का अच्छा जगह भी मिलेगा, और अगर बाइक में भी कोई इशू होता है तो आप उधर से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उधर में बाइक का गैराज भी बहुत मिल जाएगा।
एक्चुअली बात है कि लिफ्ट से आप जा सकते हैं, लेकिन आपको डिस्टेंस में कम होगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप यही वाला रोड पकड़े रहिए, NH112, तो आप आराम से जा पाएंगे और सारे सुविधा भी इस रोड पे आपको मिल सकता है। हम अभी डायमंड हार्बर में इंटर कर चुके हैं। आज से करीब करीब 2 साल पहले ये वाला जगह जो आप देख सकते हैं, ये वाला जगह पानी में चला गया था। उसका काम अभी भी चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से बोकली की तरफ फिर रवाना होंगे। अभी हम लोग डायमंड हार्बर पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का रिवर, ये वही गंगा रिवर ही है, इसको हम लोग गंगा नदी बोलते हैं प्यार से। यहाँ पे फिलहाल हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा जाके रुकेंगे बोकली। रिवर के बगल में ही पता नहीं क्या नाम लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है। डायमंड हार्बर में आप लोग आएंगे तो रिवर के बगल में बहुत सारा दुकान मिलेगा आप लोगों को, जैसे भी अगर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल डिम टोस्ट और चाय पी रहा हूँ, टाइम भी काफ़ी हुआ है, मज़े करके जा रहे हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, थोड़ा रेस्ट भी ले लिए यहाँ पे, थोड़ा होल्ड कर लिए, अब सीधा जाके बोकली में ही रुकेंगे, उससे पहले कहीं पे नहीं रुकना है अगर कोई ज़रूरत नहीं पड़ा तो। तो यहाँ से डायमंड हार्बर से कलकत्ता 40 किलोमीटर के आसपास है और अभी हम लोगों को 80 किलोमीटर के आसपास जाना है। हम लोग घर से निकले थे करीब 7:30 बजे के आसपास, अभी बज रहा है 9:20, हम लोग बहुत लेट हैं बहुत। सामने वाला जो सिग्नल दिख रहा है, इस सिग्नल से अगर राइट जाएंगे तो गंगा सागर पड़ेगा। हम लोगों को जाना है सीधा कागदीप, यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग यहाँ से कागदीप होके नामखाना जाएंगे, नामखाना होते हुए हम लोग बोकली पहुँचेंगे। कागदीप हम लोग पहुँच गए हैं और ये कागदीप का बस स्टैंड है, यहाँ से कलकत्ता की तरफ बस जाता है। यहाँ से नामखाना 12 किलोमीटर के आसपास है। नामखाना पहुँच गए हैं हम लोग, यहाँ से बोकली अभी भी 26 किलोमीटर दिखा रहा है।
मैं आपको बता दूँ, ये ब्रिज नया बना है, पहले यहाँ पे ब्रिज नहीं था। तो राइडर लोगों को या फिर कोई भी अगर इधर आता था बौखड़ जाने के लिए, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, क्योंकि भैसाल के लिए वेट करना पड़ता था। भैसाल का रोड इधर से पड़ता है, हम ब्रिज के ऊपर चढ़ के आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब ये ब्रिज नहीं था तब वो सामने में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भैसाल छोड़ता था और इधर आके वो हम लोगों को उतार देता था। तो बहुत दिक्कत होता था। और ये जो रिवर देख रहे हैं आप यहाँ से वहाँ तक, इस रिवर का नाम है हातानिया दुआनिया रिवर, या नदी, जो भी आप बोलो। लेकिन ये ब्रिज बहुत अच्छा बनाया गया है, बहुत अच्छा है। और ये ब्रिज होने के बाद राइडर लोगों के लिए, या फिर जो लोग कलकत्ता या आउट ऑफ स्टेट से बौखली या बे ऑफ बंगाल देखने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गया है। तो जल्दी से यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो लेते हैं, क्योंकि वैसे ही हम लोग लेट हैं, सीजन का टाइम है, होटल भी पहले से बुक किया हुआ नहीं है। तो जल्दी से जाएंगे बौखली, पहले होटल बुक करेंगे, फिर बौखली का चारों तरफ का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, हम लोग पहले से ही लेट थे। ऊपर से हम लोग हातानिया दुआनिया रिवर के ऊपर जो ब्रिज था, नामखाना ब्रिज, उसके ऊपर फ़ोटो वोटो खींचने में हम लोगों को और ज़्यादा लेट हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कल 25 दिसंबर था और कोई कपल वहाँ से आ रहा था बौखली से रिटर्न घर के तरफ, तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। जो लड़का था राइडर, वो वहीं पे उनका डेथ हो गया और लड़की को शायद हॉस्पिटल ले गया गया है, अभी शायद ठीक है, लोकल लोगों से पता चला ये चीज़। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, सेफली राइड कीजिए, राइडिंग गियर्स हर वक्त पहन लीजिए, हेलमेट हर वक्त कैरी कीजिए, पिलियन को भी पहनाइए, खुद भी पहनिए। जान है तो जहान है, आराम से राइड कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग बौखली इंटर कर चुके हैं, ये बौखली का बस स्टैंड है, इसके आगे बस नहीं जाता है। चलिए पहले आपको बीच दिखा देते हैं, फिर हम लोग होटल की तरफ जाएंगे। लोग भीड़ देख सकते हैं,
सीज़न में इतना ही भीड़ होता है। एक्चुअली अम्फान के बाद यहाँ का हालत बहुत ख़राब हो गया था, हद से ज़्यादा ख़राब हो गया था यहाँ का हालत, लेकिन अभी ठीक है, देख के अच्छा लग रहा है। मैं इतना आप लोगों को बता दूं कि पहले यहाँ पे इतना भीड़ नहीं होता था, जब से वो नामखाना का ब्रिज बन गया है उसके बाद से थोड़ा भीड़ होता है यहाँ पे। और देखने वाली बात ये भी है कि अभी सीज़न है, कल 25 दिसंबर था इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। होटल में इंटर करने के बाद हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, फिर हम लोग अभी बीच में आए हैं। ये बौखली का बीच नहीं है, ये कारगिल बीच है। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, पानी कितना नज़दीक आ रहा है यहाँ पे। बौखली में इतना पानी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अभी 4 बज रहा होगा और पानी एकदम नज़दीक है हम लोगों का। आप लोग बौखली आइएगा तो बौखली तो ज़रूर घूमिएगा, लेकिन ये बौखली से करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है, तो प्लीज़ एक बार कारगिल बीच आके ज़रूर देख के जाइएगा। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है यहाँ का नज़ारा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मेरा बहुत सारा भाई मुझे कमेंट करता है, मुझे बताता है कि भाई तुम राजस्थान आओ, तुम MP आओ, तो वादा रहा आप लोगों से ज़रूर जाएंगे वो सब जगह, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बौखली बीच की तरफ जाएंगे, बौखली बीच की तरफ हम लोग अब तक गए ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आके जब देखे कारगिल बीच का नज़ारा इतना सुंदर है तब से हम लोग यहीं पर बैठे हैं, कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से बाद। तो कोशिश यही रहेगी कि बौखली का सारा जगह, सारा टूरिस्ट स्पॉट आपको कम से कम बता दे, कैसे आपको जाना है, कितना दूर है। इन पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, प्लीज़ वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं तो सारा वीडियो कंटिन्यूसली डाल नहीं सकता, उसको एडिटिंग करना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक को सपोर्ट कीजिए। कारगिल सी बीच के बाद अभी हम लोग आ गए हैं बौखली सी बीच में, और मैं अभी बौखली का वॉच टावर पे खड़ा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, बौखली के सी बीच में शाम के टाइम बहुत सारा दुकान सी बीच में बैठता है, जहाँ पे आपको हर एक तरह का मछली मिल जाएगा, आप जैसा बोलेंगे वो लोग वैसा पका के आपको दे सकता है। तो हमने वहीं से अभी फिश खाया है बहुत सारा, शाम का नाश्ता वहीं से किया है। तो मैं थोड़ा सा नज़ारा उसका मैं आपको दिखा दूँगा, और फिलहाल मैं आपको वॉच टावर से बौखली सी बीच का नज़ारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है जैसे आप लोग जानते हैं, तो प्लीज़ मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। मैं ब्लॉग कर रहा हूं इसीलिए मेरा मास्क आप देख सकते हैं गले में है, मैं जहां भी जाता हूं मास्क पहनता हूं, मैं ब्लॉग के कारण ही मास्क उतार के ब्लॉग करता हूं, ताकि आप मैं मास्क खोल के इसीलिए ब्लॉग करता हूं ताकि आपको मेरा आवाज़ क्लियर आए। डिनर करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं होटल रूम में, और
आप लोगों को पता ही होगा सुबह से बहुत टायर्ड है, बहुत जगह गए हैं। कल भी हम लोगों को बहुत जगह जाना है। कल सुबह में फर्स्ट हम लोग जाएंगे हिंडी आइलैंड, उसके बाद जाएंगे बिनफिश, बिनफिश से हम लोग जम्बू द्वीप जाएंगे, फिर यहाँ पे होटल के बगल में ही एक कोकोडाइल पार्क है, वहाँ भी हम लोगों को जाना है। तो सच बताऊँ बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सो जाएंगे फटाफट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह में।